हे गाइस, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि यार जो आवाज़ सुनाई दे रही ना, इससे मुझे काफ़ी ज़्यादा इरिटेशन हो चुका ही। तो आप लोग इसे तो बिल्कुल इग्नोर कीजिएगा और सिर्फ मेरी आवाज़ के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। देखो, मेरी इंग्लिश दिन ब दिन जो है अच्छी होती जा रही है। सो आई स्पीक इंग्लिश, आई ईट इंग्लिश एंड आई अनलोडिंग इंग्लिश। तो चलो बात करते हैं टाइगर 3 मूवी के बारे में। तो यार, आपको आप लोगों को पता होगा कि टाइगर 3 फिल्म जो इस्पा यूनिवर्स से कनेक्टेड होने वाली है, एंड इस्पा यूनिवर्स YRF का एकदम जबरदस्त और एकदम नेक्स्ट लेवल। अभी देखो यार, ये जो आवाज आती है ना, इसके चक्कर में मैं वीडियो बनाने में हमेशा चूक जाता, मतलब जो दिमाग में आता है ना वो ऐसे फुर हो जाता है। तो अभी मैं क्या कर सकता हूँ, चलो बात करते हैं टाइगर 3 मूवी के बारे में। यार, टाइगर 3 फिल्म जो है वार फिल्म से कनेक्ट होने वाली है, एंड वार फिल्म में हम लोगों को जो देखने के लिए मिले थे टाइगर श्रॉफ, जिन्होंने किरदार निभाया था, एंड वो जो है हम लोगों को विलन एज देखने के लिए मिले थे, एंड उसी विलन का बदला लेने के लिए एक बार फिर से आने वाले इमरान हाशमी। तो क्या आप लोगों ने कभी सोचा भी था कि टाइगर 3 जैसी फिल्म वार फिल्म से कनेक्टेड हो जाएगी तो कितना ज़्यादा मज़ा आएगा? यार कसम से मज़ा आ जाएगा, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बूम। और मैं आप लोगों को बता दूं कि ये ऑफिशियली तो नहीं है, लेकिन खबरें कुछ ऐसी निकल कर सामने आ रही है कि टाइगर 3 फिल्म को वार फिल्म से कनेक्ट किया जाएगा और ऋतिक रोशन का कैमियो हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा। भाई, इससे बड़ी खुशखबरी और क्या हो सकती है? मतलब टाइगर 3 फिल्म जो है 12-11 नवंबर को सभी सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है, और इस दिन हम लोगों को SRK, ऋतिक रोशन और सलमान खान एक साथ देखने के लिए मिल जाएंगे। कसम से मज़ा आ जाएगा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का, एंड उस सिनेमा हाउस में वो एक ऐसा मोमेंट बन जाएगा ना जिसे लोग हमेशा याद रखेंगे। तीन जबरदस्त एक्टर, तीनों एक्टर हम लोगों को एक ही सीन में देखने के लिए मिल जाए, कसम से मज़ा आ जाएगा। और हम लोगों को क्या चाहिए भाई, टाइगर 3 जैसी फिल्म को अगर वार फिल्म से कनेक्ट किया जाएगा, हालांकि कनेक्टेड है, लेकिन फिल्म की स्टोरी दिन ब दिन बहुत ज़बरदस्त होती जा रही है, तो मुझे तो ऐसा ही लगता है। बाकी आप लोगों को क्या लगता है कमेंट करके बताना ज़रूर, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर फेसबुक पर देख रहे हो तो फेसबुक के लाइक बटन को दबा दो, फॉलो कर लो, जो भी आप लोगों को करना है कर लो, क्योंकि अगर आप लोग नहीं करोगे तो इसमें मेरा घाटा आपका कुछ नहीं जाता यार, तो कर लो।